28 कंपनियों को बेच रही है मोदी सरकार। संसद में बेशर्मी से बोले मंत्री, घाटा हो या मुनाफा हम तो बेचेंगे। 28 और सार्वजनिक कंपनियां बिकने की कगार पर। मोदी सरकार ने इस वक्त देश की 28 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। इन सभी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने सैद्धांतिक रूप से हामी भर दी है। लोकसभा में जब तमिलनाडु के डीएम के सांसद पी वेलुसामी ने ऐसी कंपनियों का ब्यौरा मांगा जिन्हें हिस्सेदारी बेचने के लिए चिन्हित किया गया है, इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 28 कंपनियों को बेचने की मंशा जाहिर की। बेचने का आधार क्या है? अनुराग ठाकुर ने अपने लिखित जवाब में इन कंपनियों को बेचने का आधार प्राथमिकता को बताया है। उनके जवाब के अनुसार लाभ हानि के आधार पर विनिवेश का फैसला नहीं लिया जाता है, बल्कि कंपनियों के क्षेत्रों की प्राथमिकता ही ऐसे किसी भी विनिवेश का आधार होती है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार ने विनिवेश के लिए 65,000 करोड़ का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार रणनीतिक बिक्री के साथ हिस्सेदारी बेचने जैसी नीतियों का सहारा लेती है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखित जवाब में जिन कंपनियों को विनिवेश के लिए चिन्हित किया था वो कंपनियां हैं, एक स्कूटर्स इंडिया ली, दो ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया ली, तीन हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट ली, चार भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स ली, पांच सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ली, छह सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स ली, सात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, आठ फेरो स्क्रैप निगम, नौ पवन हंस लिमिटेड, 10 एयर इंडिया और उसकी 5 सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम, 11 HLL लाइफ केयर, 12 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ली, 13 शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 14 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, 15 नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में विनिवेश की सैद्धांतिक मंजूरी बीते 8 जनवरी को दी गई, 16 हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड HPL, 17 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, 18 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, 19 कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर, 20 NMDC का नागरनकर स्टील प्लांट, 21 सेल का दुर्गापुर अलॉय स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट और भद्रावती यूनिट, 22 THDC इंडिया लिमिटेड THDCIL, 23 इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड IMPCL, 24 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स, 25 इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC की कई इकाइयां, 26 नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NIPCO, 27 प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया ली, 28 कामरजार पोर्ट। पहले कौन सी ऐसी कंपनियों को बेचा गया है? मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश के जरिए 1,05,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकार अपने लक्ष्य के आसपास भी नहीं है। सरकार ने अब तक करीब 17,000 करोड़ रुपए ही जुटाए हैं, लेकिन इतने ही पैसे जुटाने में काफी कंपनियों की हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। पिछले साल 20 नवंबर को सरकार ने फैसला किया था कि BPCL समेत 5 बड़ी कंपनियों के हिस्से बेचे जाएंगे। ये कंपनियां हैं BPCL, कॉनकॉर, SICK, THDC और NIPCO। उदाहरण के लिए NTPC का विनिवेश प्रतिशत साल 2014 में 0.04% था, जो कि साल 2017 में बढ़कर 5% हो गया था। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति किसी भी तरह से फिलहाल ऊपर उठती हुई तो नहीं दिख रही है। इस आर्थिक सुस्ती या मंदी जो भी कह ले, इससे निपटने के लिए सिर्फ रिजर्व बैंक से मोटी मोटी रकम उधार लेना काफी नहीं है। विनिवेश कितना कारगर रहेगा ये भी देर सवेर सभी को समझ आ ही जाएगा, लेकिन तब तक आप हम बस यही मना सकते हैं कि हम या हमारे जानने वालों के घर चूल्हा जलता रहे।